बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अभी गोजाल नजीमाबाद शिशगढ़ से पहुंच गया, लेकिन हालात इंतहाई सीरियस है, इंतहाई गंभीर है। तो किश्तियों का कुछ बंदोबस्त किया है, लेकिन वो कोई कामयाब कोई सिस्टम नहीं है। मैं ख़ुद उसमें बैठ कर आ गया। स्पेशली ख़वातीन के लिए बड़ा रिस्क है, और उसमें पानी आता है और वो एक बंदा वहाँ पर, एक दो बंदे उसके लिए स्पेशल होते हैं, पानी बाहर फेंकना होता है और काफ़ी वो सीरियस है, तो काफ़ी मसला है। हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमारा गोजाल की पब्लिक की तरफ से कि हुकूमत के लिए कि अगर वो हेलियों का बंदोबस्त होता है तो वो प्लीज़ वो उसका हमारे लिए बंदोबस्त करें, वरना वहाँ की पब्लिक के लिए बहुत मसला है। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, 400-500 टीचर्स फंसे हुए हैं, और दूसरे तीसरे हमारे जो फौजी हजरात हैं वो फंसे हुए हैं, और ये जो किश्तियों का जो बंदोबस्त किया गया है वो इंतहाई रिस्क है। आते तो हैं हम, लेकिन इंतहाई रिस्क लेके आते हैं, और सलवात पढ़ते हुए अल्लाह का नाम लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सीरियस मसला है। पानी अंदर आता है और उस पानी को निकालने के लिए दो बंदे उसके लिए हम एलोकेट करते हैं, फिर वो पानी निकालते हैं। इसी लिहाज से हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कोई सही बंदोबस्त करे। और दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि वो किश्तियों का बंदोबस्त भी होगा, हेलियों का भी होगा, लेकिन गोजाल का सर्वाइव का मसला है। पूरा एरिया डूब रहा है, और नजीमाबाद शिशगढ़ और गुलमित का आधा एरिया डूब रहा, हमने वहाँ पर देख लिया। इतना मलबा है कि हुकूमत से हमारा रिक्वेस्ट है कि चाइनीज़ जैसे बड़े कोई सुपर पावर के कोई पावर के ज़रिए काम किया जाए, ताकि वहाँ से वो मलबा हटा के आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाला जाए। तो ये हमारी तरफ से पूरे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थैंक्स।